नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, EFT पर मैंने पहले भी दो वीडियो डाले हैं। एक बार फिर से मैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक यानी EFT को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। EFT एक ऐसा बेहतरीन साधन है जिसमें एक्यूप्रेशर और एफर्मेशन यानी माइंड पावर को मिक्स किया गया है। एक ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट है, इसके द्वारा आप बहुत सारी अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, अपनी बीमारियों से, अपनी बहुत सारे इश्यू से, फोबिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने अंदर अप्लाई करने में भी आप इसका EFT का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको नेगेटिव चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए EFT का प्रयोग करके बताऊंगा EFT कैसे होती है। वैसे मैंने नीचे दूसरा वीडियो का लिंक दिया हुआ जिसमें मैंने पूरी थ्योरी बताई है, पूरा डिटेल में बताया कि EFT कैसे काम करती है। यहाँ पर एक बार फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। EFT के लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना है। मान लीजिए मेरे सर में दर्द है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहला सेंटेंस बोलता हूं, हालांकि मेरे सर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। सेंटेंस यहीं से शुरू होता है। इसके साथ साथ मैं अपनी बॉडी में कुछ पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उन पर मैं टैपिंग भी करता रहूंगा और ये सेम लाइन रिपीट करता रहूंगा। चमत्कारी, चमत्कार, चमत्कार से कम नहीं है ये टेक्निक। इतनी चमत्कारी टेक्निक है, इसमें इतने चेंज आए हैं, इतने पॉजिटिव चेंज आए हैं लोगों के अंदर, इतनी बीमारियां लोगों की हटी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो लोग इसको पैसे ले लेकर भी सिखाते हैं कि EFT आपको करनी सिखाते हैं। मैं आपको फ्री में सब बता रहा हूं, आप बड़े प्यार से इसे समझें और लोगों को बांटें। बड़ी सिंपल टेक्निक है, करना सिर्फ इतना सा है। सबसे पहले आपने, मान लीजिए आपको डिप्रेशन है, मान लीजिए आपको एंग्जाइटी है, आपको घबराहट हो रही है, आपको नर्वसनेस हो रही है, आपको पीठ में दर्द है, आपको सर में दर्द है, आपको अपने बेटे की चिंता हो रही है, आपको अपने पति के लेट आने की वजह से आपके मन में शंका है, या नेगेटिविटी है, कुछ भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, आप EFT की टेक्निक लगाकर देखें कि आपका मन उससे बदलता है नहीं बदलता। मैं आपको गारंटी देता हूं ये रिजल्ट लाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, हालांकि मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। मैंने पहले इसी सेंटेंस को रिपीट किया और यहां टैपिंग करी। सबसे पहले होता है ये कराटे चॉप पॉइंट, तो इसमें मैं टैपिंग करता हूं। आप ऐसे हाथ की चोंच सी बना लें और ऐसे जोर से टैपिंग करें। बहुत सॉफ्ट नहीं मारना और बहुत तेज भी नहीं मारना, अच्छी लेकिन फील होनी चाहिए, अच्छी खासी फील आनी चाहिए। तो मैं जोर से ऐसे टैपिंग कर रहा हूं, हालांकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। हालांकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। हालांकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। मैं 3 बार रिपीट करूंगा और 3 बार रिपीट करते करते इस पॉइंट पर टैपिंग करता रहूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर टॉप पॉइंट यानी क्राउन चक्र वाला पॉइंट है, हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। अगेन मैंने कहा ये चोंच की तरह बनाकर थोड़ा सा जोर से डालना है, थोड़ा जोर से ऐसे, हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं। ये मैंने ऐसे करके डालता रहा, ऐसे 3-3 बार रिपीट करता जाऊंगा। इसके बाद जो आता है वो यहां से आता है, आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने अपने आप को फिर से यहां पर बोला, हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं, आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट वाला पॉइंट पकड़ा, ये सेम पॉइंट ऐसे ही टैपिंग करता जाऊंगा, सेम टैपिंग करता जाऊंगा, 3 बार रिपीट करूंगा, फिर आंखों के नीचे 3 बार रिपीट करूंगा, सेम लाइन को ऐसे ऐसे करता जाऊंगा, फिर नाक के नीचे वाला पॉइंट, ये वाला सेम ऐसे ही, ये ठोड़ी के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ पर टैपिंग करता जाऊंगा ऐसे करके। और फिर इसके बाद आते हैं जो गले के नीचे जो सेंटर पॉइंट है, जो एक गड्ढा सा बना हुआ है, इसके कॉलर बोन पॉइंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं कॉलर बोन के ऊपर भी मैं ऐसे ही दो हाथों से दोनों तरफ से ऐसे ऐसे टैपिंग करता जाऊंगा और सेम लाइन रिपीट करता जाऊंगा, हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो यहां पर है, यहां से लगभग एक हाथ नीचे यहां पर, तो यहां पर हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं। अब यहां पर रिब के जहां फिनिश होता है, तो यहां पर लास्ट में ये पॉइंट है, हालांकि मुझे घबराहट हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। दैट्स इट,
इतना करने के बाद अब आप अपनी घबराहट का लेवल चेक करके देखिए और आप पाएंगे घबराहट एक अच्छे खासे लेवल तक रिड्यूस हो गई है। इस चीज़ को आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऐसे ही कीजिएगा और कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और बार बार दो चार बार करने से वो चीज़ से आपको पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है, आपको डर से छुटकारा मिल जाता है, फोबिया से, दर्द से और कितनी तरह की बीमारियों से आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। और मेंटल बीमारियों में तो ये बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। अब जैसे मैंने ये नेगेटिव सेंटेंस को बोला, अब इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं जो अब पॉजिटिव अफर्मेशन डालने हैं तो मैं बोलता हूँ कि अब मेरा मन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, अब मेरा मन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी वेरी पावरफुल, आई एम वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ऐसे मैं तीन तीन बार रिपीट करूंगा और टैपिंग करता जाऊंगा, तीन तीन बार रिपीट करूंगा, टैपिंग करता जाऊंगा, ऐसे ही। तो ऐसे करके मैंने और पॉजिटिव सेंटेंस भी अपने अंदर डाल लिए। तो जब मैं इन पॉइंट पर प्रेशर करते हुए, टैपिंग करते हुए जब मैं कोई अफर्मेशन बोलता हूँ, तो वो मेरी रीढ़ की हड्डियों के अलग, मेरे शरीर के अंदर जो डिफरेंट जो एनर्जी मेरिडियंस हैं उनके थ्रू होता हुआ वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर, वो एनर्जी बॉडी को प्रभावित करता है और सीधे सीधे जाकर ये प्राण जो शरीर है मेरा, उस प्राण शरीर को जाकर इम्पैक्ट डालता है और साथ में मेरे अफर्मेशन को वहाँ पर पहुँचा देता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी EFT के टेक्निक को आप और अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, मेरी और वीडियोस भी आप देख लें, पूरी डिटेल में इसको समझ लें और अपने ऊपर जितना मर्जी चाहे अप्लाई करें, खुद भी सीखें, औरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाएँ, अपने घर वालों को भी इसका ज़रूर फ़ायदा दें। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।